तो अभी लंच वगैरह करेंगे। मेरा मेरा इंतजार कर रहे थे कब से। देखिए क्या बनाया दोस्त, अंडा बनाया, ये चिकन और ये मेरे मैं इसको जीता। क्या क्या साथ खा रहे? वेजिटेबल्स, अंडा, अभी चिकन। ना मस्त मस्त सब्जी। गाइस अभी मैं पहुंच चुका कामाख्यापुर। कामाख्यापुर का नाम के आगे इसके पीछे भी कारण हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब पहाड़ के ऊपर एक मतलब विलेज है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, ये देखिए कितना बड़ा ऊंचा है, 7 मंजिल तक। ये मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलता है बुद्धिस्ट। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो अभी का टाइम हो रहा है 10:10 रहा। मैं आज वीडियो काफी मतलब लेट से शुरू किया। अभी तो मतलब यहाँ पे आया मैं घाट पे, जो कि उदयपुर घाट बोलते हैं। तो एक दोस्त को छोड़ने आया था मैं बेसिकली, और वो उस तरफ देखिए, उस तरफ जो कि नाव से पार किया जाता है। और काफी मतलब एक अमेजिंग चीज, काफी मतलब ऐसे यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है पूरा मतलब बिंदास एकदम हैप्पीली, पूरा मतलब रिलैक्स, क्योंकि ऐसा शांत जगह में देखो ना, काफी मतलब अच्छा जगह ये। और ये दिहिंग रिवर कहा जाता है, जो कि नामसा होके चला जाता है, नामसा होके आसाम, आसाम होके बांग्लादेश, बांग्लादेश होके बंगाल। हम तो यहाँ से पानी पीते हैं, काफी फ्रेश पानी है अरुणाचल पे इस तरह का नदी। तो बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं कामाख्यापुर की ओर, और वहाँ पे सौरभ भैया भी मिल सकता है, देखते हैं अगर मिलता है तो काफी अच्छा लगेगा। तो घाट से मैं अभी सीधा जो कि जीजू का घर में पहुँच चुका, जो आप लोग जानते होंगे इसको, अपना गांव से है, अपना ही दीदी है। और ये रहा अपना जीजू, कल से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमको ब्लॉग में आना है, मेरा ब्लॉग हर वीडियो में देखते हैं। हाँ ये सब मतलब ये लोग का अलग मशीन है ना, ये पूरा चेन्नई से मंगाया बोलता है, कोलकाता से। यहाँ पे जो कि मतलब ऐसे गंजी वगैरह बनाते हैं, कुछ अलग प्रकार का सिलाई करता है। और आप लोग डायन सर्कल से देख रहे हैं तो आप लोग को पता होगा, एकदम मेन रोड का सामने काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़ा मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ से थोड़ा तेल भरा ला, यहाँ पे एक परेशानी है, डिपो नहीं है यहाँ पे तेल डिपो, तो ये एक्स्ट्रा दुकान से मतलब तेल भराना पड़ता है। तो अभी मैं जरा कामाख्यापुर की तरफ, वहाँ पे मतलब खाना के लिए मतलब सुजर भाई लोग कब से इंतजार कर रहा होगा। और अभी हम पहुँच चुके हैं जो कि सूखा नाला कहा जाता है आई थिंक डाइन का, और यहाँ का अलग ही है। और इस नाला पे हम लोग मिले थे सुप्रभात के साथ, आप जानते होंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं उनका चैनल। ये देखिए आप लोगों ने अप्रैल महीना में वीडियो में देखा होगा, ये एक्चुअली जो है ना पहाड़ी इलाका में कुछ अच्छा ऐसा ही होता है, पूरा पटक करके आता है। अभी तो मतलब ठंडा दिन है, सीजन का दिन है, उतना पानी नहीं है, लेकिन हम लोग मिले थे कुछ उस लोकेशन पे सुप्रभात के साथ। उस दिन वो भी ब्लॉगिंग कर रहा था, एक मतलब बाइक वाला आया था और फिर वो पूरा तोरा के लिए बच गया था, वो कोना तक पहुँच गया था, फिर सुप्रभात ने हेल्प किया था। एनी भी माना बस अभी मैं पहुँच चुका कामाख्यापुर। कामाख्यापुर का नाम के आगे इसके पीछे भी कारण हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब पहाड़ के ऊपर एक मतलब विलेज है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, ये देखिए कितना बड़ा ऊंचा है, 7 मंजिल तक। ये मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलता है बुद्धिस्ट से कुछ बोलता है, लेकिन मैं उसको बता नहीं पा रहा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, काफ़ी व्यू अच्छा आएगा ऊपर से। परमिशन नहीं देगा आई थिंक, अगर मिलने से मैं बाद में दिखा दूंगा। सो अभी मैं जहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन है वहाँ पे आया हूँ। अभी ये लोग देखो पहले से आ चुका है हमको छोड़ के, मैं थोड़ा मतलब वहाँ पे कुछ लोगों को पहुँचाने गया था घाट की ओर। दोस्त आओ, और ये देखिए अपना दोस्त लोग पूरा बिजी है पबजी में। पबजी कैसे खेलते हो? हमको तो उतना इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन खेलने से काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ता है, हमको पता है। यूट्यूब का नशा जब हम लोग को पकड़ गया था, हम लोग को भी कितना इंटरेस्ट है। शर्म लग मैंने क्यों छोड़ के आया हमको। ये रहा ये संजू दोस्त, पहचान तो नहीं रहा, लेकिन नाम चंद्रशेखर यहाँ का है ना। पहले बार मिल रहा है, काफी अच्छा रहा। अभी जो थोड़ा देर पहले देखा था वो घर का मालिक आई थी, उसका नाम तो पता नहीं है, बोल दो तू। उसका नाम है निर्बाध। तो अभी लंच वगैरह करेंगे, मेरा मेरा इंतजार कर रहे थे कब से। देखिए क्या बनाया दोस्त, अंडा बनाया, ये चिकन और ये मैं इसको जीता रोचना, क्या बोला था, तारू रोचना, और ये बेदागी चकमा लेंगे। और आप लोग जंगली से क्या बोलते हैं इसको,
sometimes of wild vegetables मान लीजिए कुछ इस तरह से उतना भूख तो नहीं है मोमो खा के आया था तो जाओ मत ऐसा बात नहीं है ना हम तो खा से तो खाता है ना तो अब हमारा डिनर हो चुका है शुरू लंच तो अब हमारा लंच हो चुका है शुरू और ये आप लोग का निरंत बर्बो क्या क्या साथ खा रहे इस तरह मेरा प्लेट कुछ इस तरह इसका प्लेट कुछ इस तरह और इसका प्लेट कुछ इस तरह और सब्जियां कुछ इस तरह और खाना इस तरह तो अभी हम यहाँ से निकलता है ये लोग भैया लोग जा रहा है वो बोलेरो से क्योंकि वो कुछ एक बांधे को लेने जाना है लोगों और ये देखिए आपने दस का हरकत दायन में आके दायन बासी बन गया कहाँ में जा रहा है अभी ओए अच्छा वहाँ पे रुकता है क्या वहाँ पे रुकता है तो अभी फिलहाल तो हो चुका है शाम का वक्त और यहाँ पे हम दोस्त का घर पे घूमने आए हैं जो कि संजू का दोस्त लगता है इसका साली भी लगता है बोला है तो चंद्रशेखर दोस्त भी आए हैं यहाँ पे थोड़ा लाइट का सिस्टम ख़राब है तो इसके लिए सबका प्लस लाइट ऑन करने के लिए बोला मैंने ताकि अच्छे से ब्लॉग में आए और आज का दिन ऐसे चला गया जो कि चना मरघाट किया और फिर वगैरह वगैरह दायन घूमा थोड़ा बहुत अभी खाना खाया आप लोग ने देखा होगा अभी इसी तरह से अभी और थोड़ी देर पे हम लोग मंदिर जाने वाले हैं शायद तो वहाँ तक हम ब्लॉग को आज का दिन को एंड कर देंगे तो कुछ इस तरह से काफ़ी शांत से बैठे हुए ये लोग क्योंकि कुछ प्रॉब्लम में चल रहा है ये लोग का कुछ आई थिंक अपने पर्सनल लाइफ में कुछ परेशानी है इसका ज़्यादा तो अभी हमारे लिए थोड़ा लाया गया है मेहमानों के लिए कुकुम्बर जो कि अनसीजन वाला हेलो हेलो बोल दे कैसे भाई मस्त अनसीजन है कुकुम्बर है जो कि काफी मतलब स्वादिष्ट है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मतलब तीन मंजिल के पहाड़ का जैसे वहाँ पे कुछ पूजा वगैरह किया जा रहा है सुत्ता वगैरह जो कि राजगुरु यानी महेश्वर महातेर वन नंदपाल पांडे के द्वारा अभी जो भी अपना बुद्धिस्ट नियम में पूजा किया जा रहा है जो कि यहाँ का गांव के शांति के लिए वो यहाँ का गांव का आय उन्नति के लिए और सुख शांति के लिए ये जो कि सुत्ता पूजा किया जा रहा है आज जो कि कमक्यापुर गांव के नाम से जाना चाहते इस गांव का नाम देखिए तो फ्रेंड्स मैं अभी उसी घर की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से मैं दिन को दिखाया था आप लोग को मैं अभी सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं अभी बस थर्ड फ्लोर में आया हूँ लेकिन ये सेवन फ्लोर तक है अभी हिल रहा तो जिसके चलते में मुझे नीचे जाना होगा काफ़ी रिक्शी भी लग रहा है और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह से बना है देख सकते हैं तो गाइस अभी हम अंदर जाके देखते हैं थोड़ा तो यहाँ पे आज जो कि अगरबत्ती मोमबत्ती दहना के उत्सव पे आज ये मंदिर तो नहीं है मुझे मंदिर लगा था दिव्या मेरी पूजा अन्ना मेरी पूजा त्रिपेट का दाना देखो इंडिविजुअल के द्वारा दाना किया गया जो कि कल्पतरा जो भी दाना सब था अपना तो खाना खा के हो चुका है लेकिन ये इनका अभी तक नहीं हुआ है दोस्त लोग का
आराम से खाओ। गाइस मैं कल मतलब सो गया था और वीडियो को एंड कर नहीं पाया था, तो कल का वीडियो को आज सुबह एंड कर रहा हूँ। तो उस कल का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वी आर रियली लाइक दिस वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलेंगे अच्छा एक और नए वीडियो पर।